हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपकी स्टडी प्लान के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वीडियो एंड तक देखें और जो भी टिप्स मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए आते हैं पेपर पैटर्न पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएंगे आपको? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स टोटल आएंगे आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसमें से सब अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे क्या है, कंपलसरी है। और मार्क्स कितना कैरी करेंगे वो 20 मार्क्स। मतलब 4 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मतलब फिलअप, मैचअप, ट्रू फॉल्स या ऑड वन, कुछ भी आ सकता है। उसमें से आपको चारों अटेम्प्ट करना है और सब कितने मार्क्स करेगा? 5 5 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जैसे मतलब समझो एग्जाम्पल, मतलब इसके क्वेश्चन नंबर में ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो सब के मार्क्स कितने रहेंगे? 5 5 5 5। तो सब ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपलसरी है। अब ये चार के लिए टोटल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने कितने टाइप दिया है? 10 टाइप दिया है। 10 में से कोई भी 4 टाइप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो चारों आपको अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स करेगा? 20 मार्क्स करेगा। पिछले साल तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का था अकाउंट्स में, लेकिन अब ये साल से कितना कर दिया है? 20 मार्क्स, मतलब 80 में से 20। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो 80 में से आप लोग को 25% मार्क्स आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, सबके सब कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या टाइप्स है, कि किस में से प्रिपेयर करेंगे, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। उसमें पहला टाइप है हम लोग का, 10 टाइप है हम लोग के, इसमें से कोई कितने आएंगे? इसमें 4 आएंगे और सब कितने मार्क्स करेंगे? 5 5 5 5, मतलब कितना हो जाएगा? 20। अब कौन से 4 आएंगे वो डिसाइडेड नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। चलिए पहला लिखते हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन, मतलब कौन बनेगा करोड़पति की तरह। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड। वन वर्ड हम लोगों ने 11th में किए थे, बराबर ना, OCSP अकाउंट वगैरह सब में था। कोई भी एक स्टेटमेंट देगा, उसका वन वर्ड में क्या देना है आपको? आंसर देना है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स विथ रीजन। नॉर्मल ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है? विथ रीजन। तो आप लोग को रीजन भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 नहीं आएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने आएंगे? सिर्फ 2। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स करेगा? 2.5 मार्क्स करेगा। मतलब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा? 5। सब 5 का ही है टोटल, सब का टोटल 5 ही होना है, ठीक है। लेकिन वो एक का कितना मार्क्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, एक का 2.5, मतलब कितना हो जाएगा? 5 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट है फाइंड ऑड वन। ऑड मतलब कुछ जो उसमें चार चीजें दे रही है, उसमें से कुछ जो अलग रहेगा उसको हम लोग को निकालना रहता है, बराबर ना। साइंस वगैरह में हम लोग पहले करते थे, पिछले साल 11th में भी आप लोग को था। तो 5 आएंगे वो, ठीक है ना, सब एक एक मार्क्स करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस मतलब फिलअप की तरह ही होता है, लास्ट में कुछ आप लोग को डैश दे देगा, वो आप लोग कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आंसर इन वन सेंटेंस, ठीक है ना। आंसर इन वन सेंटेंस मतलब इसमें कुछ आप लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको याद नहीं करते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, तो मार्क्स कट सकते हैं आपका। नेक्स्ट है एग्री और डिसएग्री। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट से आप एग्री हो के एग्री नहीं हो, वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। वो भी सिर्फ 5, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के रहेंगे। स्पेसिमेन में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सैंपल बनाना पड़ेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा दिखता है, तो वो एक ही आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल मतलब एक कोई टेबल आपको बना के देगा, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ड्यू डेट कैलकुलेट करने का हो सकता है, कुछ अमाउंट कैलकुलेट करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। एक छूट गया मेरा शायद कैलकुलेशंस में, स्किप कर गया, तो कैलकुलेशंस में आप लोग को कैलकुलेशन करने देगा, ड्यू डेट कैलकुलेट कर लो, कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने बोलेगा, तो कुछ भी चीज़ें दे सकता है। सर ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन आप लोग को ये सब मिलेंगे हर लेसन के पीछे, लेकिन अगर हर टाइप देखना है तो सब टाइप आप लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इसका हर एक का टाइप मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग उठा के देखेंगे, वो लेसन के पीछे की जो एक्सरसाइज दी है उसमें हर एक टाइप का मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग को कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये 10 टाइप है, 10 में से कितने आएंगे? सिर्फ 4 आएंगे, ठीक है,
चारों आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री पैर में है, पैर में मतलब जोड़ी में समझ लो, ठीक है ना, यहां तक। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, जोड़ी में। कैसे, टोटल चार टॉपिक हम लोग को दिया हुआ है। कितने टॉपिक दिया हुआ है, चार, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, टोटल चार टॉपिक दिया है। चारों के एक एक क्वेश्चन आएंगे, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर टू के ए में भी, और क्वेश्चन नंबर थ्री के ए और बी में भी, मतलब क्वेश्चन नंबर टू ए बी में भी एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर थ्री में ए और बी में भी एक एक क्वेश्चन, मतलब चार टाइप है, चारों कहीं पे भी आ सकते हैं, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ठीक है। और फिर क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर टू में से दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी दोनों में से कोई एक क्या करना है, एक अटेम्प्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर जाएंगे और ज़्यादा होशियारी कर जाएंगे, हो सकता है ऐसा, चांसेस है। तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर दो आने वाले हैं, चार में से दो ही करना है, क्योंकि ऑप्शन है ना दोनों में से एक, तो बोलेंगे दो ही चैप्टर करते हैं हम लोग। तो दो चैप्टर करोगे तो आप लोग फंस जाओगे, आपका 10 मार्क्स चले जाएगा। कैसे जाएगा सर, बता दीजिए, बताता हूँ, देखो दो मिनट बताता हूँ आप लोग कैसे फंस सकते हो। अगर आपने समझो बिल ऑफ एक्सचेंज करें और एडमिशन करें, क्या करें, बिल ऑफ एक्सचेंज करें और एडमिशन करें, और रिटायरमेंट और डेथ छोड़ दिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ आ गया समझो क्वेश्चन नंबर टू के ए में, और क्वेश्चन नंबर टू के बी में क्या आ गया, एडमिशन आ गया, तो दोनों में से कोई एक ही कर सकते हो, बराबर है, तो 10 मार्क्स तो मिल जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट डेथ नहीं किए, तो रिटायरमेंट इधर आएगा, डेथ इधर आएगा, दोनों में से कोई एक करना है, छूट जाएगा, क्योंकि दोनों तुमने क्या कर चुके, छोड़ चुके हो। तो इसलिए याद रखना कि आप लोग ये चार में से कितने टॉपिक, कम से कम तीन टॉपिक एकदम परफेक्ट कर ले, ठीक है, तो तीन कर लोगे तो टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर आप लोग का छूटने का टेंशन नहीं रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव का भी क्या है, पैर है, जोड़ी है, उसके लिए भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, कितने टॉपिक दिया, टोटल चार टॉपिक, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग या अकाउंटिंग इन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है ना, या अकाउंटिंग इन कंप्यूटर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आप लोग को चार टॉपिक है, जैसे इधर मैंने बताया वैसे इधर भी, मतलब क्या होगा, एक टॉपिक ए में आएगा, एक बी में आएगा क्वेश्चन नंबर फोर के, फिर एक इधर आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के ए में, और क्वेश्चन नंबर फाइव के बी में, उसमें से आप लोग को कोई भी कितना अटेम्प्ट करना है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, यहाँ पे भी होशियारी मत करना, ठीक है ना। कितने चैप्टर करना, टोटल तीन चैप्टर करना, चार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या होगा, कभी कुछ हार्ड आया तो आप लोग उसके बदले में इजी वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन तीन करे तो ज़्यादा अच्छा है, चार करे तो ज़्यादा अच्छा है, तीन करे तो भी चल जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन पे, दोनों बहुत ही ईजी लेसन है, ये हम लोग फाइनल अकाउंट है, हम लोग कर चुके हैं, बराबर है, इलेवेंथ में, उसी के बेस पे है, तो ये सॉल्व कर लेना। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न NPO, ये कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का, ये भी 12 मार्क्स का, ये दोनों 8 मार्क्स के थे, ठीक है, तो मतलब ये 24 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्लियर। तो इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, तो ये कितने मिल जाएंगे आपको, 24। तो ये हो गया आप लोग का 12th का पेपर पैटर्न, थोड़ा सा चेंजेस है पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल हम लोग को ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का थे, ये साल कितने हो गए, 20 मार्क्स के हो गए, खाली इतना चेंजेस है ज़्यादा, और बाकी पेपर पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है, उससे आप लोग को क्या ले लेना, आपको जिस साल में पढ़ना है उस साल के आपको ध्यान देना है, तो इस पेपर पैटर्न को फॉलो करके आप लोग को पहले से प्लान बना लेना पड़ेगा कि हमको किन किन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आप लोग को, ये चार में से कोई तीन कर लो, ये चार में से कोई तीन कर लो, ठीक है, फिर बचते हैं दोनों, तो आप लोग को करना ही है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को ज़्यादा आता ही है, ठीक है ना। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग वो लेक्चर सीरीज, मैं उसका लिंक आप लोग को आई बटन में दे देता हूँ, आप लोग आई बटन से क्या कर लो, उसको देख सकते हो उसकी लिस्ट को, तो वहाँ से आप लोग स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ईजी चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसमें मार्क्स कैंसिल होने का कोई चांस नहीं होता है, और इसका टाइमिंग, हाँ टाइम आपको मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मार्क्स कट नहीं होता जल्दी, क्योंकि एकदम सिंपल एंट्रीज होती है, और ज़्यादातर नॉर्मली जनरल एंट्री करना है, टाइम भी कम लगता है। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए आप लोग, क्योंकि टाइम नहीं मालूम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, साल भर प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी,
लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो टाइम लिमिट में नहीं कर पाते हैं, तो पेपर क्या होता है, छूट जाते हैं। तो साल के स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को आपका टाइम लिमिट पता रहेगा। क्लियर है? तो चलिए आते हैं टाइम लिमिट पे। तो सब में पहले ऑब्जेक्टिव्स जो है आप लोग को 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। 20 मिनट्स में मोस्टली ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग को बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली 20 मिनट्स में हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के लिए आप लोग को 20 मिनट्स काफ़ी है, ठीक है। उससे जल्दी हो जाता है, लेकिन 20 मिनट्स में आप लोग के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं ये क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन आप 20 मिनट्स में कर सकते हो, उससे जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन मैं 20 मिनट्स आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप 20 मिनट्स लिख सकते हैं, और इसके लिए 30 मिनट्स, और इसके लिए भी 30 मिनट्स। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 30 होगा 60, 20 होगा ये होगा 60, ये हो गया 2 आवर्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स आप लोग का हो गया। फिर आप लोग के पास और 20 मिनट्स बचा हुआ है। 20 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना पेपर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोग ने गलती किया है या क्या किया है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आप लोग को बोलूंगा तो नॉट NPO और फाइनल अकाउंट दोनों 20-20 मिनट में आता है, अगर आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किए हो तो उसका टाइम आप ऑब्जेक्टिव में या किसी और क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत जल्दी होता है, उसका टाइम आप किसी और में कर सकते हो, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर्स अगर आप लोग का आ गया तो वो आप किसी में और यूज़ कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारे आपके पास टाइमिंग है। मोस्टली जो स्टूडेंट बहुत स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं वो पेपर 2.5 आवर्स या 2 आवर्स 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं स्टार्टिंग से। इसलिए प्रैक्टिस करना ये टाइम लिमिट में, कि आप लोग का ये इतने टाइम में ये क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो आप लोग को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं अभी और एक लेक्चर बनाऊंगा, अगले लेक्चर में मैं आप लोग को एक डिटेल प्लान बताऊंगा कि आप लोग किस उस प्लान को फॉलो करके आप लोग अकाउंट्स में इजीली 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अकाउंट्स को लेके या 12th को लेके या दूसरी क्लास स्टैंडर्ड्स को लेके मैं इस चैनल पे बनाते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन दबा ले। थैंक यू वेरी मच।